मकबरे का जो है ना सबसे खूबसूरत हिस्सा है, ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से मंडप टाइप में जो है दोस्तों ये बना हुआ। दोस्तों इस मकबरा के पास ही में जो है ना दोस्तों एक जो है वो कुआं बनाया गया था, जो है ना दोस्तों वो यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो आप यहाँ पर जो है ना दोस्तों ये एक, अब जो है दोस्तों देख सकते हो ये किस हालत में है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सबका स्वागत है फिर से नई ब्लॉग वीडियो में। मेरा नाम मोहम्मद अबरार सिद्दीकी और आज जो है ना गाइस मैं आप लोगों को लेकर के आ गया हूँ अमरोहा में। जी दोस्तों, अमरोहा जो है अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक शहर है, जो इब्ने बतूता ने जो है ना अपने किताब में जो है ना इसके बारे में जिक्र किया है और बताया गया है कि मैं यही एक ऐसा शहर था जिसमें मैं 15 दिन रुका था। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो दोस्तों, ये है ख्वाजा कुतुबुद्दीन कनक खान का मकबरा, जो है ना मुग़ल दौर में जो है ना दोस्तों वो हाकिम हुआ करते थे। क्या है उसका इतिहास और इस मकबरे की क्या खासियत है, वो सब जो है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो जो है ना गाइज़ वो हिट से ज़्यादा लेट होने वाला है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। गाइज मेन एंटर दरवाज़ा है, ठीक है, इसके अंदर जो है ना हम लोग आए हैं और यहाँ पर जो है दोस्तों ये देख सकते हो कि ये कब्रिस्तान जो है अभी के टाइम पे बना हुआ है, लोगों के काफ़ी सारे जो है ना यहाँ पर कब्र है। और यहाँ सामने में जो है दोस्तों ये है कुतुबुद्दीन कनक खान का मकबरा। इस मकबरे की अगर मैं स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इस मकबरे का जो है ना दोस्तों चार जो है वो मीनार हुआ करता था और एक जो है वो गुंबद था। तो अभी के टाइम पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि सिर्फ एक जो है वो मीनार दिख रहा है और तीन मीनार जो है दोस्तों वो गायब हैं, ठीक है। और ये जो है दोस्तों पूरा लाखोरी ईंट से बनाया गया है, इसके स्ट्रक्चर को आप ये देख सकते हो, पूरा का पूरा जो है दोस्तों वो जर्जर हालत में है। और यहाँ पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसा ही अगर रहा तो आने वाले समय में जो है दोस्तों ये इमारत जो है दोस्तों वो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाएगा। ये एक मीनार जो है दोस्तों ये बचा हुआ है, आप ये देख सकते हो। उस ज़माने की अगर कलाकारी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये उसी ज़माने का जो है ना दोस्तों वो बेल बूटे जो है वो बने हुए हैं। ये डिज़ाइन आप लोगों को जो है ना दोस्तों वो दिख रहा होगा, जो मीनार पर जो है वो बना हुआ है, फूल पत्ती वगैरह ये दिख रहा है आप लोगों को, अभी भी बने हुए हैं। और ये पूरा मीनार जो है दोस्तों वो पूरा लाखोरी ईंट से जो है दोस्तों वो बना हुआ है। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हो दोस्तों कि किस तरीके का जो है ना दोस्तों यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो दिखाई गई है, बहुत बेहतरीन। पहले के टाइम पे जो है दोस्तों वो इस तरीके का डिज़ाइन हुआ करता था और अब जो है दोस्तों वो किस हालत में है आप ये देख सकते हो। ये भी मीनार जो है दोस्तों बस कभी भी जो है किसी भी वक्त जो है दोस्तों वो गिर सकता है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो। और यहाँ पर भी जो है ना दोस्तों आप ये फूल पत्ती वगैरह देख सकते हो आप, ये जो बने हुए हैं ये उसी ज़माने का है दोस्तों, 500 साल पुराना कह लो आप इसको, क्योंकि ये अकबर के टाइम का जो है दोस्तों ये बना हुआ है। और दोस्तों इस तरफ से आप देखोगे दोस्तों तो इसके जो है वो तीन मेहराब हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीन दरवाज़े कह लो आप या मेहराब कह लो, क्योंकि दरवाज़े तो नहीं हो सकते, मेहराबी हैं। और सेम टू सेम ऐसा ही मेहराब जो है ना दोस्तों वो उस तरफ भी है, ये देख सकते हो, जो काफ़ी जो है वो जर्जर हालत में है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ये दो कब्र है, जिसमें से एक जो है वो कनक खान का है और दूसरा जो है वो शायद हो सकता है कि उनकी वाइफ का हो, हमें पूरा कंफर्म जो है वो पता नहीं है। और यहाँ पर जो है दोस्तों इस तरफ भी जो है वो मेहराब हुआ करता था, ठीक है। ये जो है ना दोस्तों आप ये देख सकते हो कि कितना जर्जर हालत में है। और ये ऊपर का भी जो गुंबद है ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो है दोस्तों वो पूरा लाखोरी ईंट से ही जो है दोस्तों वो बना हुआ है। तो गाइज़ आप देख सकते हो अभी जो है मैं कनक खान के मकबरे के अंदर हूँ, ठीक है दोस्तों। और काफ़ी जो है दोस्तों वो जर्जर हालत में है ये। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय के अंदर 100 साल 150 साल के बाद जो है दोस्तों ये भी एक इमारत जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर आने के बाद में जो है दोस्तों आप ये देख सकते हो कि इस तरफ भी जो है मेरे जो है वो कब्रिस्तान है, यहाँ पर जो है ना लोगों को जो है अब दफन किया जाता है, ठीक है। एक मोनूमेंट्स जो है दोस्तों वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो कि इस मकबरे का जो है ना सबसे खूबसूरत हिस्सा है, ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से मंडप टाइप में जो है दोस्तों ये बना हुआ है।
यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि ये पूरा मंडप टाइप में जो है वो बना हुआ है, और ये जो है उस ज़माने का दरवाज़ा हुआ करता था। ये देख सकते हो काफ़ी जो है दोस्तों वो खूबसूरत, अभी के टाइम पे जो है ना ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पर जब ये स्ट्रक्चर, ये इमारत बना होगा तो कितना सुंदर रहा होगा। अब जो है दोस्तों देख सकते हो कि किस हालत में है। मैं आप लोगों को इस तरफ से भी दिखाता हूँ, ये देख सकते हो दोस्तों, ये उस ज़माने का जो है ना बेल बूटियाँ वगैरह जो है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो अभी के टाइम पे थोड़ा सा जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये देखो आप फुल पत्ती वगैरह थोड़ा सा अभी भी बचा हुआ है जो आप देख सकते हो होगा। और अभी के टाइम पे जो है ना दोस्तों, ये पूरा जो है ये अमरोहा शहर है जो अभी के टाइम पे चारों तरफ जो है दोस्तों वो आबादी है, और बीच में जो है दोस्तों ये एक मकबरा है। गाइज़ यहाँ से जो है ना इस मकबरे का जो है दोस्तों ये व्यू आप लोग देख सकते हो, एक मीनार बचा हुआ है और एक जो है दोस्तों वो गुंबद बचा हुआ है। ये गुंबद भी जो है ना दोस्तों वो लाखोरी ईंट से ही बना हुआ था। ये देखो आप लाखोरी ईंट से बना हुआ गुंबद, ये देख रहे हो आप कितना बेहतरीन जो है दोस्तों। और बताया जाता है दोस्तों कि इस गुंबद पर जो है ना दोस्तों वो एक तांबा लगा हुआ था जो बहुत कीमती होता था, उसको जो है दोस्तों वो निकाल लिया लगभग 100 साल पहले। दोस्तों इस मकबरा के पास ही में जो है ना दोस्तों एक जो है वो कुआं बनाया गया था जो है ना दोस्तों वो यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो आप यहाँ पर जो है ना दोस्तों ये एक कुआं है जो काफ़ी जो है दोस्तों, ये देख सकते हो आप काफ़ी जो है दोस्तों वो गहरा है। ये देखो आप काफ़ी गहरा है, उधर जो है काफ़ी जो है दोस्तों उस तरफ जो है वो जंगली जंगल है तो हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो है दोस्तों ये पूरा जो है कब्रिस्तान जो है दोस्तों ये बना हुआ है, और इसी के बीचों बीच में जो है दोस्तों ये एक इमारत है। इस बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में, ठीक है। मुग़ल दौर शुरू होता है, बाबर सबसे पहला बादशाह बनता है, उसके बाद जो है दोस्तों वो हुमायूं बनता है, उसके बाद जो है दोस्तों वो अकबर बनता है। अकबर के दौर में जो है ना दोस्तों एक था कुतुबुद्दीन कनक खान, ठीक है, उसको जो है ना अमरोहा का गवर्नर बना दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो यही उन्हीं का ही जो है ना दोस्तों ये कनक खान जो है दोस्तों उन्हीं का ये जो है मकबरा है, जो ये मकबरा जो है दोस्तों 1580 में जो है दोस्तों वो बनकर तैयार हो गया था। यही कनक खान जो है दोस्तों यही अमरोहा के फेमस जामा मस्जिद को भी जो है ना दोस्तों वो सही करवाया था। तो ये था स्टोरी, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग अमरोहा से हैं तो ये इन ऐतिहासिक जगहों को जो है ना ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा जो है दोस्तों ये मोनूमेंट्स हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो जो है काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों YouTube की दुनिया पर जो है ना वो बहुत ही कम है, और जहाँ कोई ना पहुँचा हो वहाँ अबरार सिद्दीकी जो है दोस्तों वो पहुँचा हो। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।